हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके सामने फिर से आ गई हूँ। ये है अपकृत विधि की, जो पीटी एग्ज़ाम होता है उसके सारे एमसीक्यू फॉर्मेट इसके अंदर दिए गए हैं। एमसीक्यू सारे कुछ दिए गए हैं पीटी एग्ज़ाम के लिए। ये लॉ फाइटर पब्लिकेशन की बुक है, आप देख सकते हैं ये लॉ फाइटर, और ये जो लिखी गई है ए एन सिंह के द्वारा, और इसमें प्रारंभिक परीक्षा है तो सारे मूल तत्व दिए गए हैं। और इसके लेखक हैं अमरेंद्र नाथ सिंह, जो एडवोकेट हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के, लॉ फाइटर पब्लिकेशन। आप देख सकते हैं इस बुक का जो नेक्स्ट एडिशन आया था 2019 में आया था, पहले 2016 में आया था। और इस बुक का जो रेट है 130 रुपीज़ है, जो कि मार्केट में आपको अप्रॉक्स 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। और इसमें जो है कि पहले सारे चैप्टर वाइज इसको एक्सप्लेन किया गया है। इस बुक को आप देख सकते हैं, पहले चैप्टर वाइज बताया गया है कि किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, किस जुरिस्ट ने क्या कहा है, किस न्यायालय से क्या निर्णय आया है अपकृत विधि के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट टॉपिक यहाँ से खोला, अपकृत की परिभाषा एवं प्रकृति चैप्टर पर। यहाँ से अपकृत की परिभाषा और जुरिस्ट ने क्या क्या कहा है उसके बारे में, जो मेन मेन जुरिस्ट हैं जैसे कि अंडरहिल और सामंड ने क्या क्या कहा है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ताकि पढ़ने में स्टूडेंट्स को आसानी हो, ताकि शॉर्ट फॉर्म में मतलब एक जगह अच्छे से मिल जाए। ये बुक बहुत ही बेस्ट है अगर आप पीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार जुडिशरी में लॉ ऑफ डॉट रहता है पीटी एग्ज़ाम में और मेंस में भी रहता है, तो पीटी को आप अच्छे से एकदम एक जगह करके अच्छे से संहिताबद्ध करके अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें सारा कुछ पीटी ओरिएंटेड ही दिया गया है, सारा कुछ इसमें बताया गया है। यहाँ पे इसको अलग अलग करके ग्राफिक मेथड से बताया गया है, आप देख सकते हैं। अब दिखा दें कि इसमें क्वेश्चंस कहाँ पे दिए गए हैं। इसमें सारे चैप्टर्स वाइज अच्छे से, जैसे न्यूसेंस भी एक चैप्टर है अपकृति का, उसके बारे में अच्छे से जुरिस्ट ने क्या क्या है वो बताएंगे, और सारे मेन मेन पॉइंट ही इस बुक में बताए गए हैं। और यहाँ से अभ्यास वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू यहाँ से शुरू होता है। आप कुछ देख सकते हैं यहाँ पे एमसीक्यू सारे दिए गए हैं, प्लस जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जैसे आईएएस 2008 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये यहाँ पे दिया गया है, बताया गया है, जो कि पीसीएसजे में भी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में बता दिया गया है कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो अपकृत की एक जगह, क्योंकि अब टॉट की बहुत ही एक जगह करके नहीं मिलती है बुक, और ये बुक बेस्ट है कि आपको एमसीक्यू के थ्रू तैयार करना चाहिए, क्योंकि टॉट इतना बड़ा है कि उसको पढ़ने में मतलब समझ भी नहीं आता है, क्योंकि उसमें कोडिफाइड नहीं ना है टॉट, इसलिए थोड़ा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। इसलिए इसको एमसीक्यू फॉर्मेट से ही पढ़ा जाए तो ये बुक बेस्ट है। जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर का एमसीक्यू बना लो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपसे एमसीक्यू नहीं बन रहा है तो आप इस टॉपिक को जाके अच्छे से पढ़ लो, फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। इस बुक का मैं अमेज़ॉन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप ये लॉ डॉट की लॉ फाइटर पब्लिकेशन की ये बुक है, आप इसको ले सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।